आज थोड़ा ज्यादा होने वाला है। और भारत से कर्नल दिनवीर सिंह साहब और दुबे जी इस प्रोग्राम में हमारा साथ दें। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो आप, हर बात को घुमा के कहते हैं पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। तो हम कहां से गरीब हैं? कहां से गरीब हैं? सड़ी के अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। हम तुमसे मांग के खाते हैं, हम तुमसे मांग के खाते हैं, हम तुमसे मांग के खाते हैं, हम तुमसे मांग के खाते हैं। हम अपना कमा के खाते हैं और आप कहते हैं कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। हम गरीब भी हैं लेकिन गैरतमंद हैं। हम गरीब भी हैं लेकिन गैरतमंद हैं। आप भोसड़ी के बाप अपने पांव पे खड़े हैं, मुकाबला कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि हमने वहां पर इंटरनेशनल कम्युनिटी को ले गए। पिछले साल आप यूरोपियन पार्लियामेंट के स्थायी मेंबर भी ले गए थे। चुप कर बे कुत्ते। झूठ के पहाड़ पर बैठी पाकिस्तान की हुकूमत को हमारा संदेश चार पंक्तियों में स्पष्ट है। तुम याद करो, अब्दुल हमीद ने पेट्रोल टैंक जला डाला, महज चंद दिनों में ही हमने बांग्लादेश बना डाला। तुम याद करो, 90,000 उन बंदी पाक जवानों को खुले प्रशिक्षण, खुले शस्त्र हैं, खुली हुई शैतानी है। सारी दुनिया जान चुकी है ये हरकत पाकिस्तानी है। पीओके के नाम पर जो प्रोपेगेंडा आपने फैलाया है, पीओके में आपके यहाँ पर किस तरह की स्थिति बनी हुई है, किस तरह पाकिस्तान का झंडा उतार दिया गया, दुनिया से अब कुछ छुपा हुआ नहीं है। पीओके की हालात को बद से बदतर आपने बना दिया है। आप बात करते हैं भारत की कि भारत में पर्यवेक्षक आने चाहिए, विदेशी पर्यवेक्षक आने चाहिए। कभी न्योता क्यों नहीं देते पाकिस्तान में दुनिया के पर्यवेक्षकों को कि आकर पाकिस्तान के हालत भी तो जनाब एक बार देख ले कम से कम। सर्वविदित है कि पाकिस्तानी हुकूमत की दाल रोटी भारत के भरोसे चलती है, लिहाजा वहां के सियासी दल नफरत की आग पर सियासी रोटियां सेकते हैं। जब पाकिस्तान में आतंकी प्रशिक्षण होते हैं तब जुबान नहीं खुलती। यही नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन भारत में पत्ता भी ले तो पाकिस्तान अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करना शुरू कर देता है। ऐसा क्यों है, आप मुझे जवाब दीजिए। ये बहन जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे, मादर चोद के बच्चे। अपनी पार्लियामेंट में पुलवामा हमले की जिम्मेदारी ली गई, आपकी अपनी पार्लियामेंट में ये बताया गया कि अभिनंदन की रिहाई के वक्त आपके सैन्य अधिकारियों के हाल क्या थे। समझ रहे हो, समझ रहे हो, कैसे उनके हाथ पांव कांप रहे थे। कुछ ऐसा ही हाल पाकिस्तान का है और पाकिस्तान वैचारिक विकलांगता जैसी स्थिति में पहुंच रहा है। पाक की हुकूमत के इशारों पर वहां की आवाम में यह झूठी खुशफहमी पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान की स्थितियां भारत से बेहतर हैं। अरे भाई, भारत से बेहतर नहीं है, बहुत गरीब देश हैं आप। मैं गरीब हूँ, मेरे मम्मी पापा मुझे गरीब जन्म दिए। सेना के आपके अधिकारी स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हैं। कभी पाकिस्तान में ये सवाल क्यों नहीं उठाया जाता, पाकिस्तान के साफी ये सवाल क्यों नहीं उठाते कि पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों के पास जो धन दौलत आई है वो कहां से आई है, कौन सा ऐसा खजाना उनके हाथ लगा है। इधर उधर लंदन में, पेरिस में, अमेरिका में इतनी संपत्तियां पाक सेना के अधिकारियों के पास कहां से आई है। भारत की विदेश नीति दो पंक्तियों में स्पष्ट है, सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्। अर्थात संसार में सब सुखी रहे, सभी निरोगी रहे, सबका कल्याण हो, सभी का भला हो, विश्व में कोई दुखी ना हो, ये भारत की फॉरेन पॉलिसी है। मैं उस दिन फिजा खान को सलूट करूंगा जब फिजा खान प्रेस क्लब के सामने बलूचिस्तान के जो लोग बैठे हुए हैं तख्तियां लेकर मिसिंग पर्सन की, उनके पास जाके उनके दुख दर्द की बात। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। बेटा आपने घबराना नहीं है, घबराना नहीं, कभी घबराना नहीं है। आप चले जा भोसड़ी के। यही पूछूंगी आपसे कि हमारे यहाँ इतनी बड़ी बड़ी आईटी की यूनिवर्सिटी कुछ भी
पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी जो है ना उसको तो भाई हराम हलाल के चक्कर में डाल दिया जाता है। हमेशा समझ आती नहीं है जिन लोगों का बैकग्राउंड ऐसा है जिनको आप पता नहीं होती इस बात का। आप सोचे ना जिस मुल्क में करप्शन करने के बाद ये कह दिया था 100 रुपए की करप्शन की है तो यार चल 20 रुपए देके छूट जा भाई, तुम सबके सब लंडो भाई। और एक बंदे ने जहाज बनाया उसको पकड़ के FIR काट दी। मतलब टेक्नोलॉजी पे अगर ये अमेरिका में हुआ था यही चीज सेम एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एलियन मास्क कितनी बड़ी एग्जांपल है, स्पेस एक्स का मालिक है वो प्राइवेटली मतलब वो रॉकेट भेज रहा होता है, उसने एग्जैक्टली सेम चीज की थी अमेरिका में, नेवाडा में जाके उसने रॉकेट के एक्सपेरिमेंट किए और बगैर इजाजत के किए और इसके बाद उसको अमेरिकन गवर्नमेंट में सर पे उठा लिया। आज वो मार्स में जाने की बात कर रहा है और मार्स का टिकट आपको पता है $10 बिलियन का रखा है भाई। जिसने मार्स में जाना है 5 साल बाद वो 35 स्टोरी का स्टारशिप बना रहा है, उसमें लेके चला जाएगा। रुको जरा, सबर करो। मून टूरिज्म की बात हो रही है, इस साल वो एक बंदा लेके जा रहा है, $50 मिलियन टिकट है उसकी। मतलब या चांद के टूरिज्म की बात हो रही है या करतारपुर का मसला सही नहीं हो पा रहा होता इनसे कि भाई टूरिज्म संभालेगा कौन। जहाज बनाने वाले को अगर आप FIR की तरफ ले जाते हैं तो कितनी डिमोरलाइज बाकी कौम होगी भाई। ये चीज बना कागज का जहाज भी नहीं बनाना, में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कुछ करना ही नहीं है। यहाँ सबसे बड़ा मसला exactly. सबसे बड़ा मसला यहाँ पर ये है कि IT की प्रोडक्ट के अलावा आप मुझे बता दें कोई एक प्रोडक्ट। स्पार्को से क्वेश्चन होना चाहिए, स्पार्को का प्रोग्राम में बुलाएं कि भाई उसका जो भी करता धरता है वो साइंटिस्ट है या कौन है। इंडिया इस वक्त पाकिस्तान से स्पेस पावर इतनी बड़ी बन चुका है कि आप सोच नहीं सकते। अब यहाँ आते लोग बोलेंगे यार यहाँ पर तो गटर खुले हुए हैं, यहाँ गाड़ियाँ चल रही हैं। यही बात करने जाए थे वकार के, हम इंडिया पे तनकीद करते हैं, हमारा रिवायती हरीफ है और हम जवाब देते हैं उनको बीइंग पैट्रियोटिक पाकिस्तानी, लेकिन कई बार हम दुश्मन की भी तारीफ करने पे मजबूर हो जाते हैं। वो हमसे आगे क्यों है साइंस एंड टेक्नोलॉजी? ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। सब क्यों नहीं हो सकते, क्या खाते हैं स्पेशल वो सबसे, और क्या ऐसी क्या चीज वो करते हैं कि भाई उनका बजट 8 साल पहले स्पार्को बनी थी, इंडिया का स्पेस प्रोग्राम आया ही नहीं था, ठीक है। आज तक स्पार्को से पूछे यार 4 या 5 सैटेलाइट तुमने लॉन्च की हैं, इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है 100 से ऊपर सैटेलाइट एक दिन में लॉन्च करके, और अपनी नहीं बाकी कितने इसराइल की लॉन्च की, फ्रांस की लॉन्च की, इससे वो कितना पैसा कमा रहा है। और इसमें उनके पास भाई बजट अब मिलना शुरू है, शुरू में बजट नहीं मिला, उन्होंने अपने लोगों को ट्रेनिंग दी कि भाई जो हमारे पास रॉ मटेरियल है इसको यूज करो। अब आप जरा फवाद चौधरी साहब की बात सुने, एक तो जब साइंस की नॉलेज नहीं होती तो बंदा कैसी बातें करता है। ये ऑन रिकॉर्ड बयान है उनका 3 महीने पहले, असद उमर साहब भी साथ बैठे थे, उन्होंने कहा हम आज बड़ी आपको खुशी से बता रहे पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट 2020 में चांद पे जा रहे हैं। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। ठीक है, वो जा रहा है किसके रॉकेट में बैठ के, चाइना के रॉकेट में बैठ के जा रहा है घूमने जा रहा है, चाइना के रॉकेट में बैठ के जा रहा है घूमने जा रहा है। ओ भाई अगर वो चला भी गया तो मुल्क की मईशत में क्या ऐड करेगा, ये कोई ग्लोरीफाई करने वाली चीज है? या तो आपने अपना रॉकेट बनाया होता, आपके पास अपना लॉन्च पैड नहीं है। और ये बजट का चक्कर नहीं है, सही साइंटिस्ट वहां पर नहीं है जिनको अथॉरिटी मिली हो जो कर सके। यार ये बयान होता है, आप देखें इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, एक तो मैं आपको बताऊं इससे ये साबित हो जाता है सादिक और अमीन होने का मतलब ये नहीं है, इमरान खान की नियत पे शक नहीं, फवाद चौधरी भी नहीं, असद उमर साहब भी नहीं, क्या कॉम्पिटेंट भी है, exactly. है कि नहीं है भाई, आप सादिक और अमीन है लेकिन क्या आप में साइंस एंड टेक्नोलॉजी समझने की एबिलिटी है? वो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है सादिक अमीन और एक कॉम्पिटेंसी डिफरेंट। ये तो डंडन हेलो दोस्तों, तो कैसा लगा आपको वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताएं।